कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। लोहा बाजार के बारे में बात करते हैं बिलेट के बारे में। तो बिलेट के बाजार में एक स्थिरता देखी जा रही है, बाजार आज फ्लैट है। बहुत ज्यादा तेजी या मंदी बाजारों में नहीं देखी जा रही है। और लोहा बाजार से खबरें ये भी आ रही है कि HRC और CRC के ब्रांडेड जो कंपनियां हैं बाजारों में, उन्होंने दाम गिराए हैं और उसकी वजह से बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी जो है वो नहीं टिक पा रही है। इंगट के बाजार में थोड़ी बहुत आपको बढ़त के साथ रिकवरी के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है, जिसके असर की वजह से बिलेट में भी हल्की फुल्की रिकवरी है। बाजार स्थिर है लेकिन बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। किस तरह के रेट चल रहे हैं बिलेट के बाजार में आज, इस बारे में हम लोग खबरों में आगे विस्तार जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बिलेट के बाजार के बारे में बात करेंगे, मंडी गोविंदगढ़ समेत कुछ अन्य मंडियों कीमतों के बारे में, साथ ही बात करेंगे इंगट और स्क्रैप में किस तरह का कारोबार और ट्रेंड बाजारों में आज देखा जा रहा है। मगर उससे पहले, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बिलेट के बाजार में सबसे पहले कीमतों के बारे में बात करते हैं। तो मंडी गोविंदगढ़ में 47,000 रुपए पर कारोबार चल रहा है। बिलेट में दुर्गापुर की कीमतें 43,500 रुपए देखी जा रही हैं। राउरकेला में बिलेट का आज का रेट 41,800 रुपए है। रायगढ़ की कीमतें आप 42,800 रुपए बाजारों में देखकर चल सकते हैं। रायपुर का जो रेट है बिलेट का बाजारों में आज, वो 43,400 रुपए देखा जा रहा है। कोलकाता कीमतें 44,200 रुपए बाजारों में देखी जा रही हैं। जयपुर में जो आज का बिलेट का रेट है वो 45। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। वो 45,600 रुपए चल रहा है। मुजफ्फरनगर की कीमतें बाजारों में आज 46,600 रुपए बाजारों में देखी जा रही हैं। मुंबई का रेट आज बाजारों में 46,500 रुपए है। गाजियाबाद की कीमतें आप 46,400 रुपए देखकर चल सकते हैं। लुधियाना में जो आज का बिलेट का रेट चल रहा है वो बाजारों में 46,000 रुपए है। हैदराबाद की कीमतें 45,000 रुपए बाजारों में देखी जा रही हैं। और भिवाड़ी का रेट 45,800 रुपए बाजारों में चल रहा है। इंगट के बारे में अगर बात करते हैं तो 46,900 रुपए का लेवल है इंगट में, जिसमें 200 रुपए तक की हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। और स्प्रे का रेट आपको 35,600 रुपए देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा गिरावट है। और ब्रांडेड कंपनियों के दाम घटाने की वजह से इंगट में बाजार में रिकवरी आ तो रही है लेकिन बाजार सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अच्छा लेवल है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो बाजारों में इस लेवल के आसपास अच्छा सपोर्ट आप देखें और उसके आसपास जरूरत के हिसाब से आप खरीदारी करके चलिए। अगर बाजार ऊपर की ओर बढ़ता है तो एक अच्छे प्रॉफिट को देखकर आप टाइम आने पर अपना प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।